सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से आगे। ओके, द प्रॉब्लम इज खुशी टूगेदर विद फादर एंड मदर डॉट डॉट टू कैनेडा। और यहाँ पर देखिए वर्ब मिसिंग है, हैज हैव लगा है, तो फिर हम यहाँ पर गॉन करते हैं। गॉन, ये टाइपिंग एरर है। खुशी टूगेदर विथ फादर एंड मदर डॉट डॉट गॉन टू कैनेडा, हैज आएगा या फिर हैव। 27 नंबर, मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ सुगर डॉट डॉट बीन कंज्यूम्ड, हैज या फिर हैव। ओके, 28 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, दैट यू आर सिंसेयर डॉट डॉट बियॉन्ड डाउट। एंड 29 नंबर, गैम्बलिंग डॉट 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 अ बैड हैबिट। एंड 130 नंबर, वॉट इज सैड डॉट डॉट नॉट ऑडिबल टू मी। 26 नंबर देखेंगे, खुशी टूगेदर विथ फादर एंड मदर गॉन टू कैनेडा। खुशी जो है वो अपने फादर और मदर के साथ कैनेडा चली गई है। ठीक है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, हैज या फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना क्या होता है, सेंटेंस बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो अब हैज यूज होगा कि हैव यूज होगा। तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो कनाडा कौन कौन गया है, खुशी गई है अपने फादर एंड मदर के साथ में। ठीक है, ये यहाँ पर हमको देखने में तो लग रहा है कि कौन कौन गया है, ये मदर गई है और उसके फादर गए हैं और उसके खुशी जो है वो गई है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कहता है क्या कि जब भी दो नाउंस या मोर देन नाउंस जो है मोर देन टू नाउंस जुड़े होते हैं टूगेदर विथ से, राइट? इससे टूगेदर विथ से अगर जुड़े होते हैं, देखिए टूगेदर विथ से कौन जुड़ा है, फादर एंड मदर और खुशी, है ना, थ्री नाउंस जुड़े हैं। तो यहाँ पर जब भी टूगेदर विथ से दो नाउंस जुड़ते हैं तो जो फर्स्ट वाला हमारा नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ओके, तो फर्स्ट नाउन हमारा है खुशी और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब चूज करेंगे। और चूंकि खुशी जो है वो सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हैज का यूज किया जाएगा। तो खुशी टुगेदर विद फादर एंड मदर हैज गॉन टू कैनेडा, हैव गॉन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। 127 नंबर देखेंगे, मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ सुगर डॉट डॉट बीन कंज्यूम, 5 किलोग्राम से ज्यादा, मोर देन से अधिक, मोर देन किससे अधिक, 5 किलोग्राम से ज्यादा, मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ सुगर कंज्यूम्ड, उपयोग हो चुका है, उपभोग हो चुका है, 5 किलोग्राम से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल हो चुका है, तो हैज या फिर हैव। ओके, देखिए यहाँ पर जो सुगर है ये अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अब अनकाउंटेबल है तो फिर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सब सिंगुलर नंबर की वर्ब लेते हैं। ठीक है, भले से इसके पहले मोर देन मच कुछ भी लग जाए लेकिन हम क्या करते हैं, जो रिलेटेड वर्ब लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं, वो सिंगुलर ही लगाते हैं। यहाँ पर हैज का प्रयोग आपको करना चाहिए। मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ सुगर हैज बीन कंज्यूम, राइट?
128 नंबर पर देखेंगे, दैट यू आर सिंसेयर, दैट यू आर सिंसेयर बियॉन्ड डाउट, वो क्या है, जैसा कि क्योंकि आप सिंसेयर हैं, समझदार हैं और बियॉन्ड डाउट, ठीक है, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा, तो इज बियॉन्ड डाउट या फिर आर बियॉन्ड डाउट, वो संदेह से परे है, ठीक है, जैसा कि आप जो है सिंसियर हैं वो संदेह से परे है, तो बियॉन्ड डाउट, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके लिए आ रही है, यू के लिए नहीं आ रही, देखिए यू के लिए तो यहाँ पर आर आ गया है, यू आर सिंसियर, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो दैट को रिलेट करती हुई आएगी, ठीक है, सिंगुलर है दैट, इसलिए इज का यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज बियॉन्ड डाउट ये होता है ना, तो यू आर सिंसियर तो वो हम छोड़ देंगे, दैट इज बियॉन्ड डाउट, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 129 पे, गैम्बलिंग डॉट डॉट अ बैड हैबिट, गैम्बलिंग वर्ब में ing लगा है और वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आती है जहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है कोई वर्ब और उसमें लगा होता है ing, ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं जेरंड, राइट, जब भी वर्ब नाउन का कार्य करे, तो गैम्बलिंग अ बैड हैबिट इज या फिर आर क्या आएगा, देखो अ बैड हैबिट है पहला चीज तो यही दिखाई दे रहा है, एक बुरी आदत है, ठीक है, अ बैड हैबिट है इसलिए हम इस का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जेरंड होगा तो फिर हम वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि वर्ब जो है अगर नाउन का कार्य करती है और उसमें आईएनजी लगा होता है तो फिर वो जेरेंड कहलाता है, जेरेंड कहलाता है यानी कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और अगर जेरेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी ऑलवेज, ओके। 130 नंबर पर देखेंगे, व्हाट ही सैड, जो उसने बोला, व्हाट ही सैड वॉज नॉट ऑडिबल या फिर वर नॉट ऑडिबल, सुनी, ऑडिबल मीन्स होता है सुनने योग्य, ठीक है, वो मेरे लिए सुनने योग्य नहीं था जो उसने बोला, नॉट ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल, अब यहाँ पर व्हाट ही सेड, जो उसने बोला, जो उसने बोला क्या बोला, नॉट ऑडिबल, सुनने योग्य नहीं था कि सुनने योग्य नहीं थे, जाहिर सी बात है सुनने योग्य नहीं था, ओके, वॉज का यूज करेंगे, अब यहां पर कुछ ऐसा आपको देखने के तो मिल नहीं रहा कि प्लूरल है जो जो चीजें उसने बोला है, कई चीजें बोला है ऐसा तो है नहीं, तो व्हाट ही सेड, जो उसने बोला वॉज नॉट ऑडिबल सुनने, चलिए 131 नंबर पर देखते हैं, प्लेंटी ऑफ मनी डॉट डॉट नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड 132 नंबर पर है, द ग्रेट कंपोजर एंड म्यूजिशियन डॉट डॉट पास्ड अवे, एंड 133 नंबर पर है, द प्रेजिडेंट एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग, एंड 134 पर है, द पेयर ऑफ ग्लोब्स ही गेव मी डॉट डॉट फाइन, राइट, एंड 135 नंबर पर है, माई ट्राउजर्स डॉट डॉट रिपेयर, ओके, 131 नंबर का जो प्रॉब्लम है सबसे पहले इसको देखते हैं, प्लेंटी ऑफ मनी इज नीडेड या फिर आर नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेंटी ऑफ मनी, ढेर सारा धन जो है वो उसकी जरूरत है, तो इज नीडेड या फिर आर नीडेड, देखिए यहाँ पर जो मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले जो प्लेंटी ऑफ लगा है वो किसके लिए लगा है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगा है, तो प्लेंटी ऑफ भले ही लगा है यहाँ पर हम वर्ब जो है
वो सिंगुलर ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब भी अनकाउंटेबल नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है तो वर्ब हम सिंगुलर ही लगाते हैं। 132 नंबर पर है, द ग्रेट कंपोजर एंड म्यूजिशियन, महान जो कंपोजर है और वो जो म्यूजिशियन हैज पास्ड अवे या फिर हैव पास्ड अवे। ठीक है, पास्ड अवे मीन्स होता है गुजर जाना, जिसका देहांत तो हो गया हो, तो जिसकी मृत्यु हो गई हो। द ग्रेट कंपोजर एंड म्यूजिशियन हैज पास्ड अवे या फिर हैव पास्ड अवे। देखिए यहाँ पर दो नाउन्स हैं, कंपोजर एंड म्यूजिशियन, दो नाउन हैं एंड से लगे हुए हैं। ठीक है, ग्रेट कंपोजर एंड म्यूजिशियन, तो कंपोजर और म्यूजिशियन, ठीक है, दो नाउन्स हैं एंड से लगे हैं। तो दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है वो प्लूरल आती है। लेकिन ये भी आपको देखना है कि उन दोनों के लिए अगर एक ही आर्टिकल लगा होगा, एक ही आर्टिकल आएगा, तो फिर हम उसको सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, और अगर दोनों नाउन के जो है पहले एक एक आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल यानी कि दो आर्टिकल आ जाता है, तो फिर वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल माना जाता है। यहाँ पर ग्रेट कंपोजर एंड म्यूजिशियन दोनों के लिए एक ही आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसका मतलब वही व्यक्ति कंपोजर भी है जो कंपोज करता है, और वही व्यक्ति जो है वो म्यूजिशियन भी है, यानी कि ये कंपोजर और म्यूजिशियन एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो फिर हम लगाएंगे हैज। ओके, पर हम लगाएंगे हैज। नेक्स्ट देखेंगे 133 नंबर पर, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी डॉट डॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो मीटिंग में प्रेजेंट थे कौन कौन? प्रेजेंट थे द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। तो वास का यूज करेंगे या फिर वर का यूज करेंगे, इसको समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो कौन होता है? अध्यक्ष। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय एंड द सेक्रेटरी और जो सचिव है, यानी कि प्रेजेंट कौन कौन है वहां पर मीटिंग में? प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, तो ये दो लोग हैं या एक ही व्यक्ति है? ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कैसे पता चला कि ये जो प्रेसिडेंट है अलग है और वो जो सेक्रेटरी है वो अलग है? क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज किया गया, तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब दो हैं, और यानी दो हैं इसका मतलब प्लूरल है। ठीक है, जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी, यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब दो ही आती है, या तो सिंगुलर आती है या तो प्लूरल आती है। ठीक है, तो जो सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम देख लेते हैं कि वो सिंगुलर की कैटेगरी में आ रहा है या फिर प्लूरल की कैटेगरी में। अगर सिंगुलर की कैटेगरी में आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल की कैटेगरी में आ रहा है तो प्लूरल लगाएंगे। 134 नंबर देखेंगे, द पेयर ऑफ ग्लोव ही गेव मी डॉट डॉट फाइन। जो पेयर ऑफ ग्लोव्स, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, ऑफ ग्लोव्स मीन्स होता है दस्ताने जो हाथ में पहनते हैं, ही गेव मी जो कि उसने दिया है, इज फाइन या फिर आर फाइन, क्या होगा? द पेयर ऑफ ग्लोव्स ही गेव मी डॉट डॉट इज फाइन या फिर आर फाइन। ग्लोव्स जो है वो हमेशा प्लूरल में आते हैं, राइट? प्लूरल में हमेशा ग्लोब्स, ट्राउजर्स, टॉन्ग्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स। तो अब ये प्लूरल में आते हैं, लेकिन इसके पहले लग गया है द पेयर। अब पेयर में आ गया तो फिर वो एक हो गया है, ठीक है, वो सिंगुलर माना जाएगा। ग्लोब्स सिर्फ होता तो फिर ग्लोब्स आर फाइन ठीक था, लेकिन पेयर ऑफ ग्लोब्स फिर इज फाइन, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर फिर इज का यूज करेंगे क्योंकि द पेयर का यूज हो गया है, तो द पेयर मीन्स
अब वो सिंगुलर हो गया। अब हम ग्लोब्स को नहीं, और फोकस किसको करेंगे, द पेयर को। ठीक है, ये हेड हो गया सेंटेंस का हमारा, सब्जेक्ट का ये हेड हो गया। ठीक है, तो द पेयर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, ग्लोब्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज माई ट्राउजर्स डॉट डॉट रिपेयर, तो नीड रिपेयर या फिर नीड्स रिपेयर। ट्राउजर्स ऑलवेज कम्स इन प्लूरल नंबर, दैट्स वाई यहाँ पर नीड रिपेयर। ट्राउजर, पैंट्स, पैंटलून, शॉर्ट्स, ठीक है, हमेशा प्लूरल में आती हैं, तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये एस या एस जहां भी लगा होता है याद रखिएगा, किसी भी वर्ब में अगर एस या एस आता है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, अगर एस या एस आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि वो सिंगुलर नंबर है, ये समझ लीजिएगा। वर्ब में एस या एस आपको जहां भी मिले, इसका मतलब वो सिंगुलर नंबर है। देखिए, जैसे कि इज में एस मिल रहा हैज में एस मिल रहा है, वॉज में एस मिल रहा है, इज में एस मिल रहा है, इसी तरह से नीड्स में एस मिल रहा है, डज में डी ओ एस डज में मिलता है। ठीक है, और इसी तरह प्लेज हो गया, सिंग्स हो गया, रन्स हो गया, जिसमें भी एस या एस मिलता है ना, ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये वर्ब्स कैसे होती हैं, ये वर्ब्स होती हैं सिंगुलर। ठीक है, और किसी अगर नाउन में एस या एस मिलता है तो वो होती हैं प्लूरल नाउन्स। ठीक है, यानी वर्ब में एस या एस लगा मिलता है तो वो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, लेकिन अगर नाउन में एस या एस लगा मिलता है तो फिर वो प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन्स होती हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री फोर्थ ऑफ द लैंड डॉट डॉट बीन लाइंग वेस्ट फॉर ईयर्स, वन थर्टी सेवन नंबर, ही डॉट डॉट अलोंग विद हिज फादर डॉट डॉट कमिंग टूडे, 138 नंबर, द लगेज डॉट डॉट टू हैवी फॉर मी टू कैरी, एंड 139 नंबर, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू मी डॉट डॉट रॉन्ग, एंड 140 नंबर पर है इकोनॉमिक्स डॉट डॉट टू डिफिकल्ट फॉर मी, यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, क्यों आएगा भाई टू, बिल्कुल नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स वॉज डिफिकल्ट या फिर वर डिफिकल्ट, चलिए ओके। 136 नंबर से स्टार्ट करते हैं। थ्री फोर्थ ऑफ द लैंड, वो जो जमीन का हिस्सा है उसका थ्री फोर्थ, तीन चौथाई भाग, ठीक है, हैव बीन या फिर हैज बीन लाइंग वेस्ट फॉर ईयर्स, वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है, उस जमीन का, उस भूमि का तीन चौथाई भाग पड़ा हुआ है। तो ये जो थ्री फोर्थ है ना, ये थ्री फोर्थ ये कार्डिनल नंबर्स नहीं है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यहां पर है इसका यूज किया जाएगा। ओके, हैज बीन लाइंग। नेक्स्ट देखेंगे, ही अलोंग विथ हिज फादर डॉट डॉट कमिंग टूडे, वो आज आ रहा है अपने पिताजी के साथ। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इसका। ठीक है, दो नाउन है यहाँ पर, देखो हिज फादर और ही, अगर यहाँ पर एंड होता ना, ही एंड हिज फादर, तब तो हम आर लगाते, लेकिन यहाँ पर एंड की जगह पर अलोंग विद लगा है, अलोंग विद जब लगा है तो फिर हम फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नाउन है ना ही, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो ही सिंगुलर है इसलिए इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लगेज डॉट डॉट टू हैवी फॉर मी टू कैरी, यहाँ पर ये जो टू है
ये टी डबल ओ होना चाहिए, और यहां पर भी जो टू है वो टी डबल ओ होना चाहिए। देखो टू, टी डबल ओ टू का मतलब होता है जितना नहीं होना चाहिए उतना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, ओवर, एक्सट्रीमली। तो जो लगेज है वो टू हैवी है फॉर मी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत भारी है। तो इस या फिर आर, लगेज जो है वो सिंगुलर नंबर में आता है, किसमें आता है, सिंगुलर नंबर, ठीक है। नाउन आप पढ़ लीजिएगा, ऑलवेज इन कम्स इन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई यहाँ पर इसका यूज करेंगे। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड मी डॉट डॉट रॉन्ग, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है, और द पीस लगा है, अगर यहाँ पर प्लूरल करना होता तो द पीसेस कर देते तब तो प्लूरल हो जाता, लेकिन द पीस है इसलिए इसका ही यूज करेंगे। द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर होता तो फिर प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर है द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको अगर हमको प्लूरल करना होता है तो पीस ऑफ, पीसेस ऑफ ऐसे कर देते हैं, राइट। चलिए, इकोनॉमिक्स वाज डिफिकल्ट, वाज टू डिफिकल्ट या फिर वर टू डिफिकल्ट, तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा सिंगुलर में आता है, इसलिए वाज टू डिफिकल्ट फॉर मेरे लिए। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो बता रहा है कि जब वो पढ़ता रहा होगा तो इकोनॉमिक्स वॉज टू डिफिकल्ट, तो वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगली स्लाइड देखते हैं, 141, द ज्यूरी डॉट डॉट नॉन अनैनिमस इन दियर ओपिनियन, एंड 142 नंबर, इट इज आई हु डॉट डॉट ऑलवेज स्टूड बाई हिम, एंड 143 नंबर, ही इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज डॉट डॉट फियरफुल, दो बार ऑलवेज आ गया, एक बार यूज करेंगे, राइट। एंड 144 नंबर, डियर डॉट डॉट सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइन, एंड 145 नंबर, व्हाट डॉट 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 द लेटेस्ट न्यूज। चलिए देखते हैं राइट वर्ब्स कौन सी है यहाँ पर, है ना। तो हमने बताया आपको कि जो वर्ब होती है बस दो ही तरह आती हैं, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल, बस ये पता करना है कि सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल, और ये पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब हमारी सिंगुलर है या फिर प्लूरल। ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी किसको हम बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं जजेस के ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप ऑफ, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नेम ऑफ जजेस, ठीक है, तो जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी बोलते हैं। अब जो ज्यूरी है उसमें कई सारे जजेस होते हैं, नॉट एनानिमस इन देयर देयर ओपिनियन, अपनी जो ओपिनियन है अपनी राय में वो सहमत नहीं थे, राइट, या सहमत नहीं था, जो ज्यूरी था जो समूह था वो सहमत नहीं था या सहमत नहीं थे। देखिए जब भी ज्यूरी होता है या कमिटी होता है, सदस्यों का समूह होता है या फिर जजेस का समूह होता है, जब उनका एक मत होता है तब तक तो वो जो ज्यूरी है, वो जो समूह है वो एक है, ठीक है, लेकिन जब उसका मत जो है बहुमत हो गया, अलग अलग मत हो गए, तो वो जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड हो जाती है, वो बढ़ जाती है दो या तीन समूह में, तो जब बढ़ जाती है तब प्लूरल हो जाती है, लेकिन जब वो एक मत होते हैं, सहमत होते हैं, कोई फैसला एक साथ ले लेते हैं, एक मत में ले लेते हैं, तब फिर वो सिंगुलर होती है। अब यहाँ पर नॉट एनानिमस, सहमत नहीं थे अपनी राय में, इसका मतलब वो जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड हो गई है, वो बट गई है, अब जब बट गई है तो फिर प्लूरल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर फिर हम वॉज की जगह नहीं वर का यूज करेंगे, अगर यहाँ पर भैया नॉट नहीं लगा होता ना, द ज्यूरी नॉट नहीं लगा होता, अनैनिमस, अच्छा अनैनिमस मीन्स होता है असहमत नहीं थे, असहमत नहीं थे इसका मतलब सहमत थे, तो फिर वर का यूज करेंगे।
नॉट भी लगा दिया है और अन का भी यूज कर दिया गया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो असहमत नहीं थे इसका मतलब, सहमत थे, सहमत है इसका मतलब जो ज्यूरी है वो एक मत है, एक मत है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फिर वाज लगाए। ऑलराइट, अन एनिमस है और नॉट भी लगा है, इस पर आप गौर करना। इट इज आई हु हैज ऑलवेज या फिर हैव ऑलवेज स्टूड बाई हिम, मैं ही हूं जो हमेशा खड़ा रहता हूं उसके बाई हिम, उसके बगल, उसके बराबर में। तो यहां पर हैज आएगा या फिर हैव आएगा, देखिए इसमें हैव आएगा, क्यों आएगा, यहां पर आई के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पर जो आई है उसके अकॉर्डिंग आई के साथ में हैव का यूज करते हैं तो इट इज आई हु हैव लगेगा। ओके, 43 नंबर, ही इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज चीयरफुल, ही इज वो है वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज उनमें से एक है, हु ऑलवेज जो हमेशा, अब यहां पर देखिए हु ऑलवेज चीयरफुल जो हमेशा खुश रहते हैं। अब ये जो हु लगा है ना ये किसके लिए लगा है, ये हु किसके लिए लगा है, ही के लिए लगा है या फिर दोस्त के लिए लगा है, जो हमेशा खुश रहते हैं वो व्यक्ति है या फिर उन लोगों की बात हो रही, ही इज वन ऑफ दोस्त, ये उनमें से है जो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये जब हु आ जाता है ना तो इसके जस्ट जो बगल में होता है, इसके जस्ट पहले होता है नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग ये इसको हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो दोज है प्लूरल है इसलिए आर का यूज यहाँ पर करेंगे। ऑलराइट, आगे देखते हैं डियर, डियर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और ये डियर के अकॉर्डिंग नहीं, इसके बाद में ये जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसको हम देखते हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट तो हमारा यहीं पर है, उसको देखते हैं कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। देखिए सेवरल डिसएडवांटेजेस, कई सारे नुकसान हैं ऑफ वाइन शराब के, डिसएडवांटेजेस यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आर का यूज करेंगे। वॉट इज द लेटेस्ट न्यूज या फिर आर द लेटेस्ट न्यूज, न्यूज देखने में प्लूरल लगता है लेकिन एक्चुअली इट इज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है इसलिए इसका यूज करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।